तुम दोनों कोई दूध के धुले नहीं हो। बहुत दिनों से देख रहा हूं मैं, चल रहा है तुम्हारे बीच में कुछ। क्या हुआ? चुपा मुझ पे टीचर उछालने से तुम्हारा पाप तुमने नहीं माना, और सब तुम्हारे जैसे नहीं होते। अरे पहले भी तुमने मीरा और कुणाल सर के बारे में ऐसी बकवास बात करने की कोशिश की थी, लेकिन तब मैं चुप थी क्योंकि तब मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन इस बार मैं बर्दाश्त नहीं करती। दशहरा शुभ हो चुका तो दिया है। अब सबने दादा बहन भाई जान के अनजाने में आप सबने मुझे प्रथम का 35 की हो गई है। कौन ही बोझ घर में रखकर धोएगा? इससे अच्छा जैसे तैसे जो भी हो करा दो इसकी शादी, उसके बाद सच है। हत्या ने तो अनजाने में गलती की, लेकिन तेरे दादा और भैनी ने किया वो पूरे होशो हवास में किया, जानबूझकर तेरे साथ गलत होने दिया। सारी बात जानते हुए भी ये तुझसे झूठ बोलते रहे क्योंकि ये चाहते थे कि तू जल्द से जल्द शादी होकर इस घर से निकल जाए और ये अपनी मनमानी करे। ये हमारा घर बेचना चाहते थे बंधु, हमारा घर बेचना चाहते थे, नहीं चाहते हैं। Hi guys, मैं हूँ रोमित राज और आप लोग देख रहे हैं टेली रिपोर्टर। आई थिंक दशहरा का टाइम है, बहुत ही अच्छा वक्त है जहाँ पर सच्चाई की जीत हो रही है और वंदना को पता चल गया है वैभव और मृणाल का जो उनका उन दोनों का जो सच है वो पता चल गया है कि वो दोनों मिलकर वंदना को बेवकूफ़ बना रहे थे। एंड कुणाल और बॉबी दोनों इतने वक्त से कोशिश कर रहे थे कि वैभव की सच्चाई वंदना के सामने आए, सबूत नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से वंदना जो है वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। एंड अब बहुत अच्छी बात है कि वंदना ने खुद रंगे हाथों वंदना और मृणाल और वैभव को पकड़ लिया है, तो बहुत ही सुपर एपिसोड है। एंड वंदना ने जो तीन बहुत बड़े डिसीजंस लिए हैं वो आप एपिसोड में देखेंगे, वो आई थिंक हर एक औरत जो है वो ऐसे ही डिसीजंस लेती अगर इस सिचुएशन में, अगर रियल लाइफ में पड़ती, तो सुपर पावर पैक्ड एपिसोड है, इट्स फैंटास्टिक। ऑफकोर्स एज बॉबी मैं भी वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वही सोच रहा हूँ कि कुणाल और वंदना जो है वो कैसे अब एक दूसरे के करीब आएंगे, क्योंकि तारा भी आ गई है अभी, जैसा कि आप जानते हैं बच्ची, और तारा जो है वो सोनिया के साथ नहीं रह सकती है, और कुणाल ने कहा है अभी कि मैं अभी तारा को अपने घर पर रखूँगा। एंड अब कैसे वो एक बच्ची और कैसे कुणाल और वंदना, बिकॉज वंदना का भी दिल टूटा है और कहीं ना कहीं वो उसने बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है जहाँ पर वो अब अपना रिश्ता वैभव से तोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करेगी, और कुणाल भी जो है वो देख रहे हैं कि इंद्रनील और सोनिया कैसे आके उनकी ज़िंदगी में उनको कहीं ना कहीं हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट्स फैंटास्टिक कि कुणाल और वंदना एक दूसरे के करीब कैसे आते हैं, वो स्टोरी में आपको पता चलेगा। हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लविंग बातें कुछ अनकही सी, एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग बॉबी सो मच। मुझे आप लोगों के मैसेजेस मिलते रहते हैं, एंड देखते रहिए फैंटास्टिक एपिसोड्स कमिंग अप।